नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सॉल्वेंट टेक। आपके प्रश्नों के साथ, आपके अंदर जहन में उपजा हुआ एक प्रश्न लेकर के हम फिर से एक बार हाजिर हैं आपके बीच में। एक भाई ने पूछा कि सर, आपके देखिए मन के अंदर कुछ भी आ सकता है और है छोटी सी छोटी बात के पीछे एक बड़ी बात छुपी होती है। तो आप प्रयास जो कर रहे हैं, मेरा धर्म है कि मैं आपको उसका जवाब अपने योग्यता अनुसार प्रस्तुत करूं, आपको दूं। प्रश्न मेरे पास आया, बहुत ही साधारण प्रश्न, जो लोग कार्य कर रहे हैं उन सबको पता है। ये प्रश्न है कि ड्रायर में 600 वैक्यूम होने के लिए स्टीम हेडर में कितना प्रेशर होना चाहिए। ड्रायर के अंदर 600 mm वैक्यूम होने के लिए या मतलब ये कह दें हाई वैक्यूम के लिए स्टीम का जो हेडर है हमारा, तो उसमें कितना स्टीम प्रेशर होना चाहिए। ये आपका प्रश्न है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है दोस्त, लेकिन इसके पीछे भी हमारा जो हाई वैक्यूम बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो कहां से बन रहा है। सबसे पहली बात तो यहां पर है कि हाई वैक्यूम बन कहां से रहा है, स्टीम हम किस में दे रहे हैं। तो आपके अंदर भी ये आएगा कि जो हाई वैक्यूम बन रहा है वो कहां से बन रहा है, इंजेक्टर के द्वारा। ठीक, इंजेक्टर से हाई वैक्यूम बन रहा है। अब इंजेक्टर में हम क्या दे रहे हैं, यहां से एक स्टीम दे रहे हैं और वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, वैक्यूम बन रहा है। तो जो अब आपका प्लांट, जो जिस प्लांट में आप कार्यरत हैं, वो प्लांट आपका लो प्रेशर का है या हाई प्रेशर का है। लो प्रेशर मतलब कि बहुत सारे प्लांट, जो पुराने प्लांट सभी थे, उन सब के अंदर इंजेक्टर के लिए कम से कम 8 kg का प्रेशर चाहिए होता था। तब जाकर के जब 8 kg का प्रेशर हम हेडर में रखते थे, 8.5 kg का, तब जाकर के हमारा जो है इंजेक्टर काम करता था, हाई वैक्यूम क्रिएट कर पाता था। अगर 8 kg से डाउन हो गया तो इंजेक्टर हमारा जो है, हमारा जो हाई वैक्यूम है वो डाउन होने लगता था। तो अब आपका अगर जो आपके प्लांट में जो इंजेक्टर लगे हैं, वो उसमें लिखा रहता है बाकायदा कि कितने केजी पे काम करेगा, उतना केजी प्रेशर उसको चाहिए। तो उसमें अगर 8 kg का है और 8 kg से आप प्रेशर उसको कम दे रहे हैं, तो फिर वो समस्या खड़ी हो जाएगी, भाई साहब आपका वैक्यूम डाउन होने लगेगा। तो अब जो है दूसरी चीज आ जाती है कि अगर अब जो है नई टेक्निक शुरू हो गई है, अब लो प्रेशर पे ही पूरा प्लांट चल रहा है, तो जो इंजेक्टर थे जो 8 kg पे डिजाइन थे, आज वही इंजेक्टर 3.5 kg पे डिजाइन होके आ रहे हैं। तो अगर आपका प्लांट 3.5 kg पे डिजाइन होकर के इंजेक्टर लगे हैं, तो आपको प्रेशर फिर 3.5 चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपके वैक्यूम है, हाई वैक्यूम है, वो आपका कम होने लगेगा, है ना। तो आपको पहले ये देखना है कि इंजेक्टर जो हमारे यहाँ लगा है उसके अंदर उसका जो प्रेशर है जितना उसको चाहिए वो होता है। तो आपका जो प्रेशर उसमें है उतना आप मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रेशर उससे कम होता है तो फिर जो है वैक्यूम कम होने लगेगा, है ना। तो जो अगर आपका 8 kg पे डिजाइन है तो 8 kg उसको प्रेशर चाहिए। अगर आपका 3.5 kg पे डिजाइन है तो आपको 3.5 kg। अगर कोई ऐसा प्लांट है जहाँ 5 kg पे 6 kg पे डिजाइन है, तो भैया उनको जो डिजाइन होते हैं इंजेक्टर, उनको उतना प्रेशर चाहिए होता है तभी वो काम करेंगे। अगर उससे कम कर देंगे आप प्रेशर या कम हो जाएगा, तो आपका वैक्यूम ऑटोमेटिक डाउन होने लगेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर, तो इतना ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं था, लेकिन ये होता है। जैसे कोई हाई प्रेशर का है तो उसमें हाई वैक्यूम मतलब हाई प्रेशर चाहिए, लो प्रेशर का है तो उसमें लो प्रेशर। 3.5 kg वाले जो डिजाइन अब आ रहे हैं, बहुत सारे प्लांटों ने जो कि 8 kg प्लांट से चलते थे,
अब वो 3.5 kg पे ही सारे उन्होंने सिस्टम करवा दिया कि पूरा 3.5 kg पे डिजाइन करवा दिया पूरे प्लांट को, है ना, पूरा टोटल 4.5 kg, 4 kg पूरा मेन हेडर पे 4 kg प्रेशर आता है। उसके बाद पूरे प्लांट में, पहले डीटी में अगर जो 8 kg मतलब हाई प्रेशर जो डीटी थी जिसमें 8 kg का प्रेशर होता था, अगर कभी 7 kg 6 kg प्रेशर हो गया तो उससे कच्चा माल जाने लगता था भाई, हम लोग टोस्ट नहीं कर पाते थे। अब वही डीटी, अब सिस्टम ऐसा बना दिया गया कि 3.5 kg स्टीम प्रेशर पे वो डीटी चल रही है और बढ़िया काम कर रही है। तो सब सिस्टम है, टेक्निक है, जैसे जैसे आगे बढ़ती है चेंजिंग होती रहती है और होते रहेंगे जब तक, और जब तक मुझे मिलती रहेगी तो मैं आपको बताता भी रहूँगा। तो प्रयास हमारा यही रहेगा। तो मुझे लगता है कि जिन भाई का ये प्रश्न है उन्हें आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और दूसरी चीज, आपके जरिए बहुत सारे लोगों के मन में अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो उनको भी उस चीज का जवाब मिल गया होगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।